हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये वही सेविंग्स अकाउंट होता है जब आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ब्रांच में जाते हो अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो बेसिकली आप लोगों को यही सेविंग्स अकाउंट ओपन करके दिया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस सेविंग्स अकाउंट के सारे बेनिफिट्स, हिडन चार्जेस, इसके अलावा दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कैसा बैंक है, क्या आप लोगों को 2024 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियो मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। दोस्तों, अगर हम सर्विसेज को डिस्कस करें तो दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर बैंक हैं, उन गवर्नमेंट सेक्टर के कर्मचारी जो होते हैं वो 100% में से कहीं 25% कर्मचारी कस्टमर्स के साथ में अच्छे तरीके से व्यवहार करते हैं, जबकि 75% कर्मचारी अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं कस्टमर से, यानी कि रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों को मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग भी देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर पासबुक, एटीएम कार्ड, चेक बुक ऑफर करता है। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया माइनर को भी एटीएम कार्ड इश्यू करता है। वो अलग बात है कि जब कोई माइनर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में जाता है एटीएम कार्ड अप्लाई करने के लिए, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो कर्मचारी होते हैं वो नहीं सुनते हैं, लेकिन कहीं कहीं प्रोवाइड कर देते हैं। दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों, अगर हम डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करें तो यहाँ पर आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, इसके साथ साथ आप कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स दे करके अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर पैन कार्ड अनिवार्य होता है। अगर आप पैन कार्ड नहीं लगाते हैं तो उस अकाउंट्स के काफी सारे लिमिटेशंस होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिस्कस करें तो दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.90% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है, और वहीं पर अगर आप 1 ईयर का FD ओपन करवाते हो तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को 6.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हो तो ऐसे केसेस में 7.25% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऑफर करता है। दोस्तों, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं जिस टाइम पर वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम का है, इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा होता रहता है। तो हो सकता है जब आप लोग वीडियोस देख रहे हो उस टाइम पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया हो या फिर कम हो गया हो, तो यहाँ पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम मिनिमम बैलेंस को डिस्कस करें तो यहाँ पर आप लोगों को रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोगों को 2000 रुपीज मेंटेन करना होता है, और यहाँ पर आप लोगों को MAB यानी कि मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे केसेस में रूरल में मैक्सिमम 100 रुपए, सेमी अर्बन में मैक्सिमम 150 रुपए प्लस GST, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोगों को 250 रुपए प्लस GST मैक्सिमम क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना होता है। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आप अपना एवरेज मंथली बैलेंस जरूर मेंटेन करके रखें ताकि आप लोगों को ये चार्जेस ना देना पड़े। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम चेकबुक को डिस्कस करें तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को डिजिटल मोड यानी कि आप डिजिटल तरीके से चेकबुक अप्लाई करते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को पर लीफ यानी कि पर पेज का 3 रुपए प्लस GST चार्जेस देना होता है। वहीं पर अगर आप ब्रांच के थ्रू यानी कि ब्रांच में जाकर के चेकबुक अप्लाई करते हो और वहां से चेकबुक लेते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 4 रुपए प्लस GST पर लीफ यानी कि पर पेज का चार्जेस देना होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम एटीएम कार्ड को डिस्कस करें तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
आप लोगों को क्लासिक वेरिएंट डेबिट कार्ड ऑफर करता है इस सेविंग्स अकाउंट के ऊपर। वो रुपए भी हो सकता है, मास्टर भी हो सकता है, इसके अलावा वीजा भी हो सकता है। दोस्तों अगर हम इस डेबिट कार्ड के एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस को डिस्कस करें तो यहाँ पर आप लोगों को 200 रुपए प्लस GST एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना होता है, जो कि हर साल आपके अकाउंट से काट लिया जाता है। दोस्तों अगर हम इस ATM कार्ड के लिमिट को डिस्कस करें तो आप इस ATM कार्ड से पर डे 25,000 रुपए निकाल सकते हैं और 50,000 रुपए तक आप ऑनलाइन यानी कि POS ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करें तो आप इस ATM कार्ड से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ओन ATM से मंथली 5 बार पैसे निकाल सकते हैं, दूसरे बैंक के ATM से मंथली 5 बार पैसे निकाल सकते हैं, वहीं पर मेट्रो सिटी से 3 बार पैसे निकाल सकते हैं। वो चाहे तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो चाहे तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो, यानी कि इतने बार आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग्स अकाउंट्स। अब यहाँ पर आप लोगों को डिसाइड करना है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। वैसे दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ट्रांजेक्शन लिमिट को लेकर के मैं एक डिटेल्स में वीडियो बहुत ही जल्द लेकर के आने वाला हूँ, जो वीडियो आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।